सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सलीम खान एक स्क्रीन राइटर थे जिन्होंने दीवार 1975, शोले 1975 और डॉन 1978 जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। उनकी सगी माँ का नाम सुशीला चरक है। दिग्गज अभिनेत्री हेलेन सलमान की सौतेली माँ है। अरबाज खान और सोहेल खान सलमान खान के छोटे भाई हैं और उनकी दो छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम अलवीरा और अर्पिता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिंधिया स्कूल ग्वालियर से पूरी की और फिर उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी करने के लिए सेंट स्टेनलॉस हाई स्कूल बांद्रा मुंबई में दाखिला लिया। अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई के जेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अभिनेता बनने की इच्छा के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक मॉडल के रूप में भी काम किया। सलमान खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1988 में एक फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी जिसमें उन्होंने विक्की भंडारी की भूमिका निभाई थी। 1988 में उन्होंने रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया में प्रेम चौधरी की मुख्य भूमिका निभाई थी जो उस समय भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उसके बाद उन्होंने सनम बेवफा, दिल तेरा आशिक, हम आपके हैं कौन, अंदाज, अपना अपना, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, हम दिल दे चुके सनम, हर दिल जो प्यार करेगा, हम तुम्हारे हैं सनम नहीं, एंट्री पार्टनर, दबंग, एक था टाइगर की, गुजरेंगी, फाइजन, सुल्तान, भारत और दबंग तीन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों, दबंग थ्री जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। उनकी 12 फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है जिनकी कुछ नाम इस प्रकार हैं कि जैसे कि वांटेड 2009 में, दबंग 2010 में, रेड्डी 2011 में, बॉडीगार्ड 2011, एक था टाइगर 2012 में, दबंग, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ट्यूबलाइट, टाइगर जिंदा है और ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 12 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ से भी अधिक कमाई की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।